स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिन्हा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के इस चैनल अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। सी ग्राफिक्स के इस ट्यूटोरियल में आज हम कलरफुल आउटपुट प्रिंट करेंगे, जिसमें कलरफुल जो भी चाहेंगे आप लिखना वो कलरफुल में प्रिंट होगा। यहाँ पहले मैं आपको बिना ग्राफिक्स इट्स मीन्स विदाउट ग्राफिक्स हम हेडर फाइल इंक्लूड करें, हम कलरफुल आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं उसे सिखाएंगे। देन आफ्टर हम ग्राफिक्स का यूज करके सिखाएंगे अगले वीडियो में क्यों हम ग्राफिक्स कलर प्रिंट कराने के लिए उसका अलग तरीका है, और जनरली हम जो आउटपुट प्रिंट करेंगे यानी विदाउट ग्राफिक्स अगर आपको बोला जाए कोई भी कलरफुल आउटपुट प्रिंट करे बिना ग्राफिक्स का यूज करे तो उसे कैसे करेंगे उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम इसके लिए पहले एक फाइल ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम सी में जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं हम प्रिंट नाम का एक फाइल बना दिए, ओके फुल स्क्रीन कर दिए। तो हमने बोला कि यहाँ हम आउटपुट प्रिंट करेंगे बिना ग्राफिक्स हेडर फाइल के को यूज करें, ठीक। तो आप कलरफुल आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या तरीका है, हैस इंक्लूड stdio.h and has include conio.h। ये दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया। तो मैंने बोला था यहाँ ग्राफिक्स का कोई भी काम नहीं होगा, तो हम ग्राफिक्स का यहाँ हेडर फाइल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही इनिट ग्राफ से इनिशियलाइज करेंगे ग्राफिक्स ड्राइवर को। तो हमने बस हेडर फाइल इंक्लूड किया, हम सिंपली वाइड मेन से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। हमने बोला कि हमें यहाँ कलरफुल आउटपुट प्रिंट करना है। तो अभी तक हम जो जनरली यूज करते आए थे अपने प्रोग्राम में आउटपुट प्रिंट करने के लिए फंक्शन वो था प्रिंटर, ठीक प्रिंटर फंक्शन था। लेकिन मैं यहाँ सी प्रिंट एफ का आपको यूज बताऊँगा। सी प्रिंट एफ से कलरफुल आउटपुट प्रिंट होता है, ओके तो मैं यहाँ सिंपली अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ, ABHISHEK अभिषेक SINHA अभिषेक सिन्हा, इसे प्रिंट करना है। उसके बाद हम यहाँ GETCH लगा दिए और प्रोग्राम को क्लोज कर दिए। वाइट मेन के बाद हम एक क्लियर स्क्रीन भी लगाए थे CLRSER। तो देखिए अभी जो मैं आउटपुट प्रिंट करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का अभिषेक सिन्हा जो लिखा हुआ प्रिंट होगा। यह आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे वाइट कलर का प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होता है वैसा ही हो रहा है। देखिए सी प्रिंट एफ के बारे में क्या है, तो आपने प्रिंट एफ का हमेशा यूज किया लेकिन सी प्रिंट एफ के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। टॉपिक उसमें जाए सी प्रिंट एफ पहले बात देखिए कि conio.h हेडर फाइल में है, ओके conio.h फाइल और stdio.h हेडर फाइल के अंदर पाया जाता है। सबसे पहला वाला ही है प्रिंटएफ, बहुत सारा प्रिंटएफ स्टेटमेंट है सी प्रिंटएफ एफ प्रिंटएफ एस प्रिंटएफ। तो देखिए यहाँ में एस प्रिंटएफ जो है वो हम यूज करेंगे और उसके साथ एक फंक्शन हम और यूज करते हैं ग्राफिक्स में कलरफुल आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा, वो थोड़ा सा इससे टिपिकल पार्ट है। पहले मैं इसे क्लियर कर दूँ सी प्रिंटएफ के बारे में। तो सी प्रिंटएफ के बारे में लिखा है सेंस फॉर्मेटेड आउटपुट टू द टेक्स्ट विंडो ऑन द स्क्रीन। ये ग्राफिक्स में नहीं काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट विंडो में ही काम करेगा। मैं आपको ग्राफिक्स में दिखाऊंगा, हम करना चाहेंगे वहाँ अगर प्रिंट तो वहाँ कुछ भी प्रिंट सी प्रिंटएफ से नहीं होता है, दिखता नहीं है कुछ भी। तो हम यहाँ सी प्रिंटएफ के बारे में बोले कि ये फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट करता है टू द टेक्स्ट विंडो ऑन द स्क्रीन, यस। तो सी प्रिंटएफ के बारे में ये हो गया। तो सी प्रिंटएफ में हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम प्रिंटएफ में, आप यहाँ देखें डिक्लेरेशन, तो प्रिंटएफ जो थर्ड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे सी प्रिंट दोनों का डिक्लेरेशन देखें सेम डिक्लेरेशन है, ओके। तो जिस तरीके से हम प्रिंटएफ लिखते हैं वैसे ही लिखे, लेकिन यहाँ हमें करने से कुछ भी कलर चेंज नहीं हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ रन कर रहे हैं तो ये वाइट कलर का प्रिंट हो रहा है। आपको यहाँ कलरफुल प्रिंट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन है टेक्स्ट colr टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के अंदर में
कोई भी कलर आप दे सकते हैं। इसमें आपको रेड कलर का करना है तो कैपिटल में RED रेड लिखे या न्यूमेरिक वैल्यू 4 लिखे फिर भी रेड कलर में प्रिंट होगा। टेक्स्ट कलर क्या है पहले मैं उसके बता दूँ। टेक्स्ट कलर के बारे में मैं यहाँ टॉपिक सर्च में दिखाता हूँ। तो देखिए conio.h हेडर फाइल में यानी ग्राफिक्स का हमने यूज ही नहीं किया। तो टेक्स्ट कलर में देखिए तीन चीज़ है, टेक्स्ट एडेबल TR, टेक्स्ट बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर। तो ये तीन फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है। तो इसमें से मैं आपको टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट बैकग्राउंड बता देता हूँ साथ ही, लेकिन पहले टेक्स्ट कलर बताता हूँ। टेक्स्ट कलर क्या है, जो कोई न्यू कलर लेता है, ठीक। तो मैं यहाँ टेक्स्ट कलर का यूज किया, टेक्स्ट कलर के साथ सी प्रिंट एफ यूज किया। तो टेक्स्ट कलर में हमने लिखा है रेड, तो अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए ये रेड कलर का आउटपुट प्रिंट हो रहा है अभिषेक सिन्हा, ओके। हम चाहते हैं इसे ब्लू करना, तो ब्लू लिखे या न्यूमेरिक वैल्यू 1 लिखे, उससे देखिए आउटपुट ब्लू हो गया। तो 15 जो हमारे कलर है वो सभी कलर यहाँ पे आएंगे, ठीक। वो 15 कलर का हम यहाँ आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं देखना तो मैं आपको एक फॉर्मेटेड तरीका बता देता हूँ। एंट आई लिया, लूप चला करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस दिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, और यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर में हम आई को पास कर दें जो हमेशा आई 10 तक चेंज हो, और यहाँ बैक स्लैश एन लगा दें यानी हर अभिषेक सिन्हा बैक स्लैश एन के बाद प्रिंट होगा, ओके। चाहते हैं थोड़ा एक टैब जगह छोड़ करके प्रिंट हो तो बैक स्लैश टी, दो टैब देता हूँ बैक स्लैश टी, तो दो टैब स्पेस छोड़ करके अभिषेक सिन्हा प्रिंट करेगा, देन लाइन चेंज करेगा, ओके, और हर बार टेक्स्ट कलर से कलर चेंज करेगा। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया, देखते हैं 10 बार आउटपुट आपको शो करना चाहिए। तो देखिए 10 टाइम्स आउटपुट शो करा, लेकिन ये जो हमने लूप चलाया तो वो जिस टाइप से हम वर्क करते थे वैसा ये वर्क नहीं हुआ। ये बैक, अच्छा वो जो हमने डबल टाइम जो यहाँ बैक स्लैश टी लिखा, इसे हम हटा के देखते हैं बैक स्लैश टी को। अब से रन करते हैं तो फिर भी वही आउटपुट आ रहा है, ओके। इट्स मीन्स ये लाइन चेंज करने से सही तरीके से प्रिंट नहीं कर रहा, ओके, यानी ये हॉरिजेंटली पहले वर्क कर रहा। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से सिंपली आउटपुट कलरफुल आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जिस कोऑर्डिनेट पे आप चाहते हैं वो कोऑर्डिनेट आप यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, ना ही कलर को, ना ही आप टेक्स्ट के साइज को बढ़ा पा रहे हैं या उसको घटा पा रहे हैं। तो टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना घटाना और जो भी आप फॉर्मेट, मतलब जो भी फॉन्ट आप नया फॉन्ट चाहते हैं, कुछ न्यू फॉन्ट में प्रिंट हो तो उस फॉन्ट में ये प्रिंट नहीं होगा, सिंपल जिस टाइप से ये आ रहा है वैसा ही प्रिंट होगा। इसी चीज़ को ग्राफिक्स में हम इससे एडवांस तरीके से करते हैं, वहाँ हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ मैं ग्राफिक्स का यूज करके बताऊँ कि ये वर्क करता है नहीं, तो आप देख लें कि ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अगर हम यहाँ सिंपली हैज इंक्लूड ग्राफिक्स लगा दूँ, graphics.h ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड किया, और साथ ही हम इंट में दो वेरिएबल लेते हैं, वो ले लेते हैं इंट GD जिसमें हम DETECT डिटेक्ट एंड इंट में ही GM ग्राफिक्स मोड लेते हैं। देन आफ्टर हम इनिशियलाइज करते हैं, वो इनिशियलाइज भी कर दे इनिट ग्राफ में, इनिट graph इनिट ग्राफ। ऐसे करने से हम ग्राफिक्स को लोड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। पहले ग्राफिक्स ड्राइवर इनिशियलाइज कर लिए, कॉमा देने के बाद फिर ग्राफिक्स मोड हम इनिशियलाइज करना है, ग्राफिक्स मोड कर लिए। देन पाथ देना है तो C: फॉरवर्ड स्लैश हो गया, तो बैकवर्ड स्लैश देता हूँ इस बार, टर्बो सी थ्री बैकवर्ड स्लैश
BGI, जहाँ ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है वो पाथ भी हमने दे दिया। इस तरीके से हम ग्राफिक्स को भी अपने प्रोग्राम में डाल दिए। अब हम चाहते हैं जो कि वैसा ही कलरफुल आउटपुट अब से यहाँ प्रिंट हो, तो पहले इसे कंपाइल करें, कोई भी एरर वार्निंग नहीं है। अब इसे रन करते हैं, देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है, पूरा ब्लैक है आउटपुट स्क्रीन। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ग्राफिक्स में वर्क नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट विंडो पे। सिंपली अभी तक जो आप डॉस मोड पे जैसे वर्क करते थे, तो उसी डॉस मोड पे वर्क कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट किया, फिर दोबारा रन कर रहा, यहाँ पे अच्छा डिटेक्ट था, इसको भी कमेंट बना दूँ। अब इसे रन करें, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ डॉस मोड में, जैसे हम चाहते हैं उसमें फॉर्मेटेड कलरफुल आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने दो चीज़ जाना, सी प्रिंट फंक्शन के बारे में और साथ ही साथ टेक्स्ट कलर के बारे में। अगर आपको कभी बोला जाए कि आपको कलरफुल आउटपुट प्रिंट करना है विदाउट ग्राफिक्स, तो आप सी प्रिंट एफ और टेक्स्ट कलर का यूज करके कर सकते हैं। अगले क्लास में हम ग्राफिक्स में कैसे कलरफुल आउटपुट प्रिंट करेंगे वो देख सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ग्राफिक्स में जैसे ही इसे लोड किया तो वो वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे ग्राफिक्स में कलरफुल आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।